ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग, आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं जयंत दामोर सर जो कि सब इंस्पेक्टर पद पे नियुक्त हैं। तो बड़ा ही सर बड़े स्मार्ट लग रहे थे तो मैं खुद सोचता था कि इस धूप में इतनी नौकरी करने के बाद में जो हो जाता है रंग जो पर सर तो एकदम गोरे चिट्टे हैं बोला ही चाहता था, मैं सोचा कैमरे पे ही बोलूंगा मैं। बिल्कुल तो, बिल्कुल सर आप अपने बारे में बताइए कुछ सबसे पहले। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर जयंत दामोर है, मैं बेसिकली रतलाम का रहने वाला हूँ। फिलहाल मेरी पोस्टिंग जो है अभी उज्जैन में है, नीलगंगा थाने पर। मैंने स्कूलिंग मेरी केवी से है, केंद्रीय विद्यालय रतलाम, और इसके बाद मेरा बीएससी और एमएससी मैंने होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से करा था, जो कि मेरा सब्जेक्ट था जियोलॉजी। जियोलॉजी के बाद फिर मैं तैयारी करना स्टार्ट करा। मैंने तैयारी मेरा मेन स्ट्रीम तो यही था कि मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाना है, उसी हिसाब से मैं तैयारी करता रहा और फिर आज इस पद पर हूँ। ठीक है सर, तो अब सर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो बच्चों के जो डिमांड पे रहते हैं। बिल्कुल, कि उनसे अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ग्रेजुएशन के बाद में सर आप कॉम्पिटिटिव का जो फील्ड है उसमें कैसे उतरे सर आप? मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था इंदौर में, जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने अधिकतर देखा कि सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर का माहौल ऐसा हो जाता है, तो वहाँ देख देख के फिर मुझे कॉम्पिटिटिव। तो साथ साथ में मैं ग्रेजुएशन के साथ मेरा बीएससी करा है, मैंने एमएससी करा है जियोलॉजी से, तो उसके साथ में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी साथ में चालू कर दी थी, और मैंने सेल्फ तैयारी करी है, ऐसा कोचिंग वगैरह के इतना ज़्यादा वो नहीं लगा मैं, और सेल्फ साथ साथ में करता गया। प्लस पॉइंट मेरा ये रहा कि मेरा ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होने के बाद मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरे को अब तैयारी करना है, वो पहले ही आ गया था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी पहले से ही करता रहा था। कॉलेज के साथ ही आपने सेल्फ स्टडी करी? सेल्फ स्टडी मैंने कॉलेज के साथ में ही चालू कर दी थी। इंदौर में रह के भी सर आप कोचिंग नहीं गए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसमें भी निकाली। सर 17 बैच के है ना सर आप? मैं 2016 बैच का। अच्छा 16 बैच, हाँ उसी में मेरा फिजिकल रुका था सर। अच्छा अच्छा, मैंने क्या 16 बैच 15 बैच में भी मैंने दिया था, तो उसमें रिटर्न मेरा निकल गया था, फिजिकल हो गया था, इंटरव्यू भी मैंने दे दिया था, पर फिर जब मेरिट लिस्ट आई उसमें मेरा एक नंबर से रह गया था, तो उस वाली बैच में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। फिर वापस मैंने तैयारी करी, हार मानना नहीं है, मेन तो वो है अपना टारगेट, अगर आपने सोच लिया आपको बनना है तो फिर आप बनोगे। सही है सर, डिप्रेशन तो बहुत खतरनाक चीज है सर, बहुत ही खतरनाक है डिप्रेशन, पर वो हावी नहीं होने देना है आप इसके। सर सबसे जरूरी अभी कोरोना के टाइम में जैसे इतने साल से वैकेंसी नहीं आई है, बच्चे तो खैर ओवरेज होने की उसमें ही आ गए, तो आप अपने डिप्रेशन वाली चीज से कैसे निकले, फ्रस्ट्रेशन से कैसे निकले सर, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। डिप्रेशन से निकलने का एक मेन क्या है, जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो उनके दिमाग में केवल एक ही फोकस रहता है, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और नौकरी लगे लगे नहीं लगे ये भी मत सोचिए आप, तो बस ये है कि मुझे नॉलेज गेन करना है, जितना ज़्यादा नॉलेज मैं गेन कर सकूँ। साथ साथ में आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, म्यूज़िक वगैरह, कोई मूवी देख ली, ऐसा नहीं कंटिन्यू 24 आवर्स चलना ही है, पर कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे जिसकी जो हॉबी रहे, एक आध हॉबी भी अपनी कंटिन्यू करता रहे, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, तो ये सारा क्या डिप्रेशन एक तरीके से बिल्कुल वो हो जाएगा और आप माइंड फ्री रहेंगे। सही है सर। तो सर कितने साल की आपकी प्रिपरेशन रही है, जैसे ऐसा बोले हाउ मेनी इयर्स ऑफ स्टडी, कितने साल की आपकी रही होगी तैयारी है? मेरी तैयारी अगर ये देखा जाए, जो मेन मेरा एमएससी स्टार्ट करा था, 2 साल का एमएससी था, उसमें ही मैंने मेन तैयारी करी है, और एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ और मेरी सर्विस लग गई। अच्छी बात है सर। तो सर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और बुक्स के बारे में बताइए सर आप, और टाइम मैनेजमेंट। ओके ओके, सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताइए सर आप। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी तो यही रहेगी मेन, इसमें ऐसा रहेगा कि क्या है, जैसे जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था तो उसके बाद फिर मैंने पूरा फोकस एग्ज़ाम की तरफ कर दिया था। लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने तैयारी लगभग 14-15 घंटे कंटिन्यू करी है, पढ़ाई फोकस, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह जो भी रहे सभी कुछ पढ़ा है, और उस टाइम में थोड़ा सा फैमिली वगैरह और जो अपने फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा सा कट गया था,
दूर हो गए थे, उनको एक साइड में रख के फिर मैं पूरा प्रिपरेशन उसी में लग गया था। और मैंने बकायदा नोट्स बनाए हैं, कोई चीज़ ऐसी रहती बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है तो आपको उसको शॉर्ट करके, जैसे कोई ट्रिक्स वगैरह अपन निकाल लेते हैं ना, ट्रिक्स आप निकालो, ऐसी ट्रिक्स के कोई याद नहीं हो रहा है तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाल लो, वैसे ट्रिक्स बना बना के ये सबसे ज़्यादा करा है मैंने। सही है। तो उससे क्या ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता और इजीली जब अपन एग्जाम देते तो वो क्लिक भी हो जाते हैं। सही है सर, ट्रिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रिक्स बहुत अच्छी रहती है, आप जितना उसमें शॉर्ट्स को करके करोगे बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बुक्स याद है सर आप जिनसे पढ़ते थे हिंदी के लिए और इस टाइप के जो टफ वो सब्जेक्ट रहते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश के? बताइए। हाँ, मेन तो वैसे लूसेंट वगैरह मैंने पढ़ी है, बाकी कोई ऐसी और खास बुक नहीं है जो, मेन तो लूसेंट वगैरह से मैंने पढ़ाई करी, मतलब रैंडम आपकी पढ़ाई रही है कुल में? हाँ, कुल मिला के लूसेंट, और फिर कभी फ्रेंड्स से पूछा तो उसने बताया तो वहाँ, बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है की बुक से करा है। मतलब इससे समझ में आता है सर, रैंडम स्टडी से भी हो जाते हैं, मैं खुद इनफैक्ट सेलेक्ट हुआ हूं, मैं बोलूंगा ना तब कोई फर्क नहीं होगा, पर आप बोलोगे तो सब कुछ सुनेंगे बच्चे। अच्छा अच्छा, ऐसा है सर ये, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना भी आपको वैसे होगा भी अच्छा नॉलेज सर, ऐसा नहीं है। पर यह था कि सर आप अपना उसका फिजिकल का एक्सपीरियंस बताइए कि फिजिकल में आप कैसे रहे, क्योंकि मैं खुद को ही जानना है सबसे पहले। तो फिजिकल का मैंने इंदौर में ज्वाइन करा था एक ग्रुप तैयारी के लिए। कहाँ पे सर? ये जो अपना DAVB है, हाँ वहाँ पे प्रीतेश व्यास सर हैं। अच्छा। तो उनके ग्रुप में मैं था, तो अब स्टार्टिंग में उस टाइम तैयारी कर ही रहे थे, पर चलो फिजिकल वगैरह देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट डे जब मैं गया तो सर ने बोला चलो एक देखते हैं ना आपका टाइमिंग कितना आता है। रनिंग सर ने स्टार्ट करवाई, 800 मीटर लगाया और 3:15 में मैं आया था 800 में, और हमारा जो टाइमिंग मांगा था 2:40 मांगा था। 2:40, तो अगर मैं सोच रहा था कहाँ 3:15 है कहाँ 2:40, आ ही नहीं पाऊँगा कभी। पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रनिंग चालू करी, उसके साथ सर ने मतलब काफ़ी मेहनत करवाई थी, काफ़ी अच्छा। और मेन क्या था कि हमारा ग्रुप हो गया था, अब एक ग्रुप हो जाता है तो ग्रुप में फिर थोड़ा अच्छा लगता है, कॉम्पिटिटिव भावना भी आ जाती है फिर ग्रुप में। तो वहाँ तैयारी चालू करी, हमारा फिजिकल होने से पहले ही मेरा टाइमिंग आने लग गया था, स्टार्ट हो गया था कि मतलब हाँ जो टाइम दिया है 2:40 उससे मैं अंदर में ही आ रहा था। फिर जैसे ही हम फिजिकल के लिए पहुँचे, फिजिकल हमारा चालू हुआ और मैंने रनिंग निकाल ली थी वहाँ 2:23 में, इतनी अच्छी 2:40 से 2:23 में, मतलब तो सर आप तो मेरा ये उस टाइम का वो है कि हमारे ग्रुप वाले सभी, हमारा क्या ग्रुप जैसे था ना, हम 10 जने थे, 10 जने एक साथ आ गए थे और सबको पता था कि जॉन्टी आगे दौड़ रहा है, मतलब बस इसको पकड़ के चलो सब अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने चालू करा स्टार्टिंग, मैंने फिर ख़त्म करा, मेरे पीछे वाले 10 के 10 हम सब अंदर, क्योंकि मैं 2:23 पे आया था, करते करते हमारा लास्ट वाला जो गया था वो 2:36 पे गया था, मतलब 2:36 तक सभी ने अंदर कर लिया था। और मेन क्या वही कि हम सब एक दूसरे को जानते थे, सबको पता था, उस हिसाब से हमने कंटिन्यू करके। बाकी फिजिकल का रहता है, कोई कोई लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, टाइम नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, टाइम आएगा आएगा, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। और हमारे इसमें यह था कि एक इवेंट था केवल 800 मीटर और अब शायद इवेंट बढ़ा दिए हैं उन्होंने, अभी इस साल का तो नहीं पता, उस टाइम बोला फेक ओलंपिक को दिया, हाँ ये तीन कर दिए थे पर मेन, हाँ हाँ बस। तो सर आप जैसे फिजिकल का थोड़ा बता दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भोपाल में हुआ था ना सर? हाँ भोपाल में हुआ था। तो क्या हुआ था सर सबसे पहले उधर जाते कब है मतलब? जैसे हम सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचे, वो क्या रहता है जल्दी जाते हैं, जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट चेक तो नंबर जल्दी आ जाता है। तो 5 बजे हम वहाँ गए, सबसे पहले फिर हमसे एक टोकन टाइप वो दे देते हैं, वो टोकन के हिसाब से वो अंदर भेजते जाते हैं 20-20 जनों को। 20-20 जने जैसे ही अंदर गए, अंदर जाने के बाद क्या होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो, 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो रहते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर वो रनिंग के लिए बोल देते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं इसमें सर? लगभग 3 घंटे लगते हैं, 3 से 4। और हाँ, खाना पीना कुछ व्यवस्था रहती है कि खुद ले जाओ? नहीं, वो अपने पास ले जाओ, खाने पीने का तो ये रहता है कि आप अगर जल्दी पहुँच गए तो एक एप्पल वगैरह आपके पास है सफिशेंट है तो एप्पल वगैरह ले सकते हैं, एक आध बनाना वगैरह ले सकते हैं। पता तो है मेरे को सब, आप बताओ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल मैं बोलूंगा अरे इसका तो हुआ ही नहीं, क्या जानता है बहुत दुख होता है सर सिलेक्शन नहीं होता। नहीं, वो मैं वो जो 2015 वाली वैकेंसी थी उसमें जैसे ही रिजल्ट आया था और बिल्कुल एक नंबर से मतलब मेरिट में बाहर हुए थे, तो उस टाइम मेरे को पता है क्या है, पर तो भी था कि हाँ मैं निकल जाऊँगा,
हार नहीं मानी और नेक्स्ट बैच में हो ही गया सिलेक्शन। मैं तो केले लेके गया था, खाए थे बढ़िया वहाँ पे। अच्छा, तो सर आप फिर ये बताइए कि उसके बाद में इंटरव्यू का अनुभव बताइए सर आप। हाँ, इंटरव्यू में मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा, अच्छा रहा था इंटरव्यू वैसे मेरा काफ़ी। उसमें मेरे को 7 नंबर मिले थे, 10 में से 10 नंबर का था इंटरव्यू। और बेसिकली उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा है, मेरा जियोलॉजी सब्जेक्ट था, जियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा। फिर मुझे एक आध कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में अटकाने लगे, आप एक पुलिस वाले हो, आप चेकिंग कर रहे हो, कोई नेता आएगा आप उसका चालान काटोगे नहीं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पर जो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना है कि हाँ जो अपन कानूनी तौर पे कर सकते हैं, नेता भी फिर भी काटना ही पड़ेगा कुछ है, आपके प्रेशर आ रहा है अधिकारियों का, आप किसकी सुनोगे, क्या है वो, मतलब एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहते हैं कि आप डाउन तो नहीं हो रहे, क्वेश्चनों से डर तो नहीं रहे हो, आप बिल्कुल जो है एग्जैक्ट क्लियर उनको बता दो कि ऐसा था बिल्कुल, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नॉलेज तो देखो रिटन एग्जाम में टेस्ट हो जाता है, वो पूरा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ आपका क्या, यहाँ आपका केवल चेक करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा इसमें, मेन वो रहेगा। सही, तो कुछ कितने नंबर आए थे सर आपको इंटरव्यू में? इंटरव्यू मेरे 7 नंबर थे, 10 में से 7। अच्छे नंबर है ना। हाँ हाँ, तो 10 में से 10 आते हैं किसी को सर? सुना तो नहीं है अभी तक। 9 होंगे? हाँ 9 तो होंगे, मैक्सिमम 9 हो सकता है। और सर आपका ट्रेनिंग का अनुभव बताइए सर, और मेडिकल कैसा होता है सर? बहुत सारे बच्चे क्या चश्मे का भी बता दीजिए, जैसे मेरा जो चश्मा एक्डेड ये तो चल जाता है ये। अब अगेन वही कि मैं बोलूंगा तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, अब आप बताइए, अभी मेरा 1.5 है प्लस में। हाँ, नंबर तो कहाँ तक, 6x6 विजन तो है ही है, जो आपके नॉलेज में बात हो सर बता दीजिए आपको। वैसे मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे इतना मेन क्या ये नी वाला मुझे थोड़ा समस्या थी, नॉक नी और फ्लैट। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए अपन जब फिजिकल तैयारी करते हैं तो उसमें 2-3 एक्सरसाइज रहती है, वो एक्सरसाइज अगर अपन करेंगे तो ये वाला आपकी डिफेक्ट अगर बिल्कुल बर्स से है तो फिर तो नहीं हो पाएगा वो माना, पर अगर ऐसा लग रहा है ना तो वो दूर हो जाते हैं। तो नॉक नी बेसिकली टेस्ट किस टाइप से करते हैं? ये कुछ नहीं करेंगे, जैसे पैर दोनों अपने चिपके हुए हैं। हाँ, है ना, पैर बोलेंगे स्ट्रेट बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, और कोई भी स्केल वगैरह कुछ लेके सीधा नीचे करेंगे, अगर वो अटक गया या टच हुए तो फिर वो बाहर करते हैं। उसमें होता है इसमें बच्चे बाहर? हाँ होते हैं। और फ्लैट फुट? फ्लैट फुट में वो क्या करते हैं, एक वो रहता है रबर का जिसको गीला रहता है, पानी रहता है जिसमें, आपको उस पर चढ़ना है और 2-3 कदम चल के जाना है। अगर आपके फ्लैट फुट है तो पूरा फ्लैट दिखेगा, और अगर उसमें गैप आता है तो गैप दिख जाता है। उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, उसमें क्या है अगर आप बिल्कुल ही मतलब उसमें क्या बिल्कुल डिफेक्ट मतलब क्या बचपन से ही अगर अपन ऐसे हैं तो उसमें वो बाहर करते हैं, बाकी वो कर लेते हैं, इतना वो बाहर वगैरह वाला कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये नॉक नी होता और फ्लैट फुट होता क्यों? हाँ, नॉक नी पैर टच होना, इससे फिर ये माना जाता है कि मान लो आप किसी आरोपी को पकड़ रहे हो, आप भागोगे रनिंग करोगे दोनों पैर टकराएंगे, आपके गिरने की समस्या, आप पकड़ नहीं पाओगे। मेन ये रहता है फिजिकली कि आप रनिंग से ही रिलेटेड है वो, कि आपके अगर नॉक नी है मतलब आपके पैर टकराते हैं रनिंग करते टाइम, तो आप उस हिसाब से रनिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो फिर बच्चा सर ये दौड़ कर ही नहीं पाए फिर तो, अगर नॉक नी है तो? नॉक नी है तो कर ही नहीं पाए, बहुत होता है ना सर, बहुत कम। हाँ, ये आपको रनिंग से पहले होता है। अच्छा, अगर आप इनमें नहीं हुए तो आपको रनिंग नहीं करने देंगे, वो बाहर कर देंगे। रनिंग से पहले होगा ये सब। और सर ये बताइए कि जैसे फ्लैट फुट का क्या रोल रहता है इसमें? फ्लैट फुट का भी इसी से रिलेटेड है। फ्लैट फुट में क्या रहता है कि पैर बिल्कुल फ्लैट ये हो जाते हैं ना, तो इसमें क्या फ्लैट प्लेयर यूँ आएंगे ना तो आपके नॉकनी ये ऑटोमेटिक वो हो जाएंगे। और क्या रहता है मेन, अगर आपके पैर दूर दूर हैं तो आपके गैप भी, गैप इसमें जो अपना नॉकनी रहता है गैप आपका हो जाएगा, और आप कंटिन्यू रनिंग अच्छे से कर सकते हैं, वही है दोनों का। अच्छा, और सर आप अपना ट्रेनिंग का अनुभव बताइए। ट्रेनिंग का अनुभव बहुत अच्छा रहा। ट्रेनिंग में क्या रहता है कि सब नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिलों से सभी आते हैं, तो उनका अनुभव सुनने को मिलता है। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जो बेसिक 3 महीने का रहता है वो इंदौर में हुआ था, RAPTC। मेरी नज़र में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट RAPTC, वहाँ के कोच वगैरह जो हैं, जो भी हम और सिखाने वाले हैं, द बेस्ट थे। वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता था, काफ़ी मतलब थोड़ा सा डर लगता था, पर जैसे जैसे उन अधिकारियों से हम मिले, उनसे हमारी बात हुई, तो फिर व्यवस्थित होने लगा और बहुत अच्छा लगने लगा। 3 महीने का बेसिक के बाद फिर हम चले गए थे, जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं वो चले जाते हैं भोपाल मोहरी में, और जो सूबेदार लोग रहते हैं वो चले जाते हैं सागर। ट्रेनिंग अलग अलग, क्योंकि सूबेदारों का काम अलग है, सब इंस्पेक्टर का काम अलग है। उसके बाद जो हमारा 9 महीने का हुआ वो हमारा भोरी में हुआ। भोरी में भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे भी स्टाफ वगैरह सब बढ़िया था,
और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई है हमारी। तो वही आपके जो कानून रहते हैं ये सब, इन सब की आपको वहाँ पे ट्रेनिंग होती है? हाँ, वहाँ पे ट्रेनिंग हमारी क्लास लगती है वहाँ का, कॉलेज जैसा होता है सर? हाँ, मैं एक बताता हूँ ना, हमारा जैसे मॉर्निंग में हमको 5 बजे उठाएंगे, हमारा फिजिकल होगा, फिजिकल में हमको रनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके बाद हमारा ब्रेक होता है, ब्रेक में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी क्लास स्टार्ट होती है। क्लास जो हमारी चलती है वो लगभग शाम को 4 बजे तक चलती है। 4 बजे के बाद हमको रेस्ट के लिए 1-1.5 घंटे के लिए भेजा जाता है, फिर 5 बजे हम वापस ग्राउंड में आ जाते हैं। ग्राउंड में आने के बाद अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खेलना है वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं, और 7 बजे फिर हमको फ्री कर देते हैं। ऐसा तो पूरा ये शेड्यूल, ये शेड्यूल हमारा रहता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बीच में सर कुछ छुट्टियाँ वुट्टियाँ, जैसे किसी को अगर अर्जेंट काम आ जाता है तो कोई जाते होंगे बच्चे? हाँ, छुट्टियाँ मिल जाती है इजीली अगर कोई अर्जेंट काम है कोई है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में अगर हाँ, पर ये है ट्रेनिंग में आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित नहीं हो तो आपकी जिला वापसी हो जाती है। जिला वापसी से मतलब ये रहेगा कि आपको वापस कर देते हैं आपके जिले में, और नेक्स्ट ट्रेनिंग जब होगी आपको उसमें बुलाएंगे। हाँ, तो मेन, और ये कब होता है कि आप चले गए हो एक एक महीना तक, छुट्टी लेके आप 2 दिन के गए हो, एक एक महीना तक ट्रेनिंग पे नहीं आ रहे हो, या आपने कोनो अनुशासनहीनता कर दी, क्या रहता है कि जिला वापसी कर देते हैं। ऐसा तो कोई नहीं करता हुआ, इतना कोई नहीं रहते हैं, नहीं करते हैं। वैसे तो बहुत कम की होती है, नहीं होती लगभग जिला वापसी। कौन करेगा, इतनी मुश्किल से नौकरी लगे। हाँ हाँ। और सर फिर ये आपके मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ में कोई ऑन जॉब ड्यूटी भी लगती होगी कहीं ना कहीं ऐसे? हाँ हाँ हाँ, जैसे हमारी पीएम मोदी जी जो हैं वो एक बार आए थे तो उसमें हमारी ड्यूटी लगी थी। एक आध बार लॉ एंड ऑर्डर हो गया था तो हमको खंडवा वगैरह भेजा था, तो बीच में उसमें हमारे क्या रहता है, स्टार नहीं लगे हुए रहते हैं। अच्छा। उसमें हमको एक रिबन रहता है येल्लो कलर का। येल्लो? हाँ हाँ, तो वो रहता है, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये PSI हैं, अभी ट्रेनिंग परेड वाले हैं। DSP एक स्टार लगा के जाते हैं? हाँ, DSP वगैरह एक स्टार लगा के जाते हैं। अच्छा। और सर फिर आप अपना उसके बारे में क्या पूछ रहा था, जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग में? सर सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल बताइए सर आप, कि क्या होता है सब इंस्पेक्टर का? सब इंस्पेक्टर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है पुलिस डिपार्टमेंट में। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी फरियादी आता है तो उसका पूरा केस देखने का काम हमारा रहता है। हमारे पूरे लिखा पढ़ी पे उसका केस निर्भर करता है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम फरियादी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और पूरा जो इन्वेस्टिगेशन हमको ही करना है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है आखिरी तक पूरा, इसके बाद जो भी जिम्मेदारी रहती है पूरी सब इंस्पेक्टर की आ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसने करी है तो वो जैसी इन्वेस्टिगेशन करेगा वैसा न्याय सामने वाले को मिलेगा। मेन एक तरीके से मेन जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सबसे मेन काम। बाकी जो LO ड्यूटी वगैरह लगती है वो तो हमारे करना ही है, हमको सारा काम करना है। काम तो सर हमको भी ऐसे ही बहुत, बिल्कुल मूल रूप है उसके साथ, मूल जॉब के साथ में दूसरा भी काम करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। सही है, सही है सर, सबके साथ ही ये है। तो सर इस टाइप का कुछ आपका सबसे कुछ अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस बताइए, कुछ माफिया वाफिया से भिड़ंत हुई एनकाउंटर कुछ? सब तो नहीं होता आजकल तो, बहुत रेयर केस में, क्योंकि पुलिस बहुत सख्त हो गई है आज के टाइम पे सर। पहले ऐसा गुंडा राज तो रहा ही नहीं सर, 100 साल पहले होता था या 50 साल पहले। अच्छा अनुभव बताइए सर आप। अच्छा अनुभव, अच्छा तो इन्वेस्टिगेशन केस ही हैं, एक आध दो ऐसे हैं कि जिसमें जो आरोपी है उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तो उसको हम CDR वगैरह के एनालिसिस करके वहाँ तक पहुँचे हैं और फरियादी को न्याय दिलाया है। जब फरियादी फिर हमारे पास आता है और बोलता सर, मतलब वो बोलते हैं कि आपने इतना अच्छा काम करा है, तो हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि बोले यार हमारी वजह से इनको न्याय मिल गया है। दुआ मिलती है सर उसकी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी को नया दिलाता हूँ तो। मैं बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। और सर फाइनल आपको टिप्स बता दीजिए सर स्टूडेंट के लिए, अभी जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने की संभावना है इस साल, बोल तो रहे हैं मुझे सब लोग कि इस साल 2021 में आएगी, अब देखते हैं, तो सर उसके लिए आपको टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि एक तो आप मन में कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मेरा जो टारगेट है वो वहाँ तक मैं पहुँचूंगा। अगर आपने मन में ये बना लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप टारगेट अचीव करेंगे। दूसरा, आप न्यूज़पेपर, न्यूज़ इन पे खासकर फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है करंट अफेयर्स वगैरह ये ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में खासकर। और आप स्टडी कंटिन्यू रखिए, इसको प्रेशर के रूप में मत लीजिए, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा स्टडी आप करते ही रहिए। बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपन कर सकते हैं, पुराने जो पिछले एग्ज़ाम हुए उनके पेपर्स आप कलेक्ट करिए, तो उससे आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो बैक एग्ज़ाम हुई हैं
उनमें सबके पेपर कलेक्ट करके रखिए और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को तैयार करिए। सही है सर। तो सर आपने इंटरव्यू दिया, बहुत शानदार लगा मेरे को। मैं जब भी किसी SI का या DSP किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ यार काश मेरे को भी ये पोस्ट मिल जाती। नहीं, आपको भी मिलेगी पोस्ट, बिल्कुल मिलेगी। तो इसके साथ जो वर्कलोड रहता है ना सर, वो मैंने देखा है। हाँ, वर्कलोड तो रहता है, बहुत ज्यादा है सर। वर्कलोड जॉब में 10:30 to 5:30 वाली जॉब है, तो एक सिविल की बात ही अलग होती है सर। सिविल की बात अलग हो जाती है, भले ही हमारे पद के नाम के आगे इंस्पेक्टर लग जाए, कुछ लग जाए, पर जो आप पे जो ड्यूटी है उसके लिए तो वास्तव में खुद आपको सल्यूट करूंगा सर मैं। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सर, और बिल्कुल स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा इंटरव्यू, जो मुझे इतना इनफैक्ट अच्छा लगा तो। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।